जी सर, जी सर, हाँ हाँ सर, इसलिए अच्छा लग रहा है सर कि अब आ जाते हैं सर। तो बच्चे आपके पास मतलब नदी किनारे नहीं जा रहे, तालाब नहीं जा रहे, खेल कूद में नहीं फंस रहे, आपके पास आ जा रहे हैं। वो खेल जरूर रहे सर, लेकिन जिस समय क्लास लेता हूँ उस समय वो 1 घंटे तक आकर के वहीं पर मंडरा, कम से कम मेरे को 1 घंटा समय दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो बच्चों का नियम आपने बनाए रखा है, मुझे लगता है पालक भी इससे काफी प्रसन्न होंगे। हाँ सर, पालक लोगों को मैं कल ही और संपर्क करके मीटिंग लिया हूँ, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे को और ज्यादा प्रभावित कीजिए, भेजिए और समय से पहले जाए। अब हम एक टाइम ले रहे हैं, आते हैं कि 2 टाइम ले, सुबह भी और शाम भी, ऐसा करके प्रयास कर रहा हूँ सर मैं। नहीं, बहुत बड़ा आपने एक पीटीएम भी किया था सर, बड़ा सुंदर फोटो डाला था आपने पीटीएम का, जी जी तो उस पीटीएम के जी बारे में थोड़ा हम सभी को बताएंगे कि पीटीएम का अनुभव कैसा रहा आपका। सर, उसमें मैं पेरेंट्स और टीम का जो मीटिंग लिया हूँ ना, जी उसको बच्चे बच्चे छुट्टी के पूर्व बहुत इधर उधर बहुत ज्यादा बहुत खतरनाक स्थिति मोड़ पर पहुंच गया था। अब अच्छा वही है कि बच्चे बिल्कुल पढ़ाई के प्रति ध्यान ही नहीं था उनका, खाली घूमना फिरना, खाना इधर उधर जाना, ऐसा था। तो मैं उनको बीच में डिस्टर्ब हो गया कि बच्चे आ क्यों नहीं रहे, कहीं पालक तो कहीं मिसगाइड तो नहीं किया होगा, मत जाओ पैसा वैसा लेगा, ऐसा करके कुछ। तो मैं उसी को पेरेंट्स मीटिंग में ट्रेनिंग में लेकर के उनसे बात किया, तो बात सामने आया कि ऐसा कुछ बात नहीं है, बच्चे खुद स्वतः ही जा रहे हैं घूमने फिरने करके। तो उनको बताया मैं, पैसा की बात नहीं है यहाँ, क्लास की बात है और बच्चे की भविष्य की बात है, अगर ये स्थिति भूल जाएगी तो आगे हम इसको कुछ संभाल नहीं पाएंगे ना, आप नहीं संभाल पाओ। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से कुछ पेरेंट्स जो है उस समय तैयार हुआ, और आज आज मेरे पास कम से कम 14 बच्चे आ रहे हैं सर, बहुत बड़ी चौदह उपलब्धि बच्चे है। चौदह तो बच्चे आ रहे हैं, किसी किसी दिन तो 16 बच्चे 17 बच्चे आ जाते हैं, वो फिर कम हो जा रहा है, फिर जम बढ़ रहा है। अभी कुछ बच्चों को मैं एक नया सिस्टम बनाया हूँ सर, जी सर। क्या है वो। वो सुबह 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 5:30 बजे सर, मेरे पड़ोसी जो बच्चे रहते हैं उनको मॉर्निंग वॉक है करके ले जाता हूँ वहाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ सर, सुबह पैदल चलो करके और टाइम टाइम पर के ऐसा चलते चलते हाँ जहाँ हाँ खाली जगह रहता है वहां पर वो थोड़ा सा व्यायाम व्यायाम का अभ्यास करा पाऊँ, ताकि मेरे से जुड़े रहे करके। नहीं, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। इसका एक वीडियो अभी भेजेंगे सर, सुबह जो आप बच्चों के साथ टहलते हैं, व्यायाम करते हैं, एक वीडियो उसकी छोटी सी भेजेंगे तो हम भी देखना चाहेंगे। ये तो बड़ा ही प्रेरक जी अनुभव हाँ सर, बिल्कुल सर, आज मैं ये करके आज सुबह मॉर्निंग समय में करके आपके पास भेज दूंगा सर। है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सर, क्लास की फोटो कभी कभी भेजते रहेंगे ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, और आपकी ऊर्जा से तो हम भी प्रेरणा लेते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो काफी प्रेरक शब्दों में आपने बताया कि आप कैसे बच्चों को भटकने से बचा रहे हैं, कोरोना काल में जो उनकी आदत छूट जा रही है, 1 साल के प्रभाव में लगता है बच्चे 2 साल पीछे चले जाएंगे कई जगह के बच्चे। बहुत सर, बिल्कुल, बहुत सर, बहुत 2 साल में पहुंची। हाँ सर, और बहुत कई ज्यादा कई बच्चों की तो पढ़ाई छूट सकती है। तो आप इसमें क्रांतिकारी काम कर रहे हैं कि आपने वापस 16-17 बच्चों को जोड़ के उनको पटरी पर रखा है। तो इसके लिए हम बहुत जी बहुत जी आपको साधुवाद देते हैं टीम की ओर से। अब लगता है हमने सबसे बात कर ली है। एक हम कात्यायनी सर से अब सुनना चाहेंगे कि आखिर ऐसे सामाजिक कार्यों में चुनौतियां क्या क्या आती हैं, और एक ज्ञान दूत कैसे उसमें बढ़ता चला जाए, और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। कात्यायनी सर। धन्यवाद देवाशीष जी। मैंने कुछ ज्ञान दूतों का जो अनुभव है और जो उनका सजेशन, उनके सजेशन जो आए हैं वो बड़ा व्यवहारिक और लाजमी है। जब दो तीन बातें मैं कहूंगा कि एक तो सामाजिक कार्य जो करते हैं, सामाजिक कार्य ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती इसलिए है कि समाज, हर एक समाज में दो पक्ष होते हैं, एक सहयोग करने वाले, एक सहयोग न करने वाले। और ये हम जानते हैं कि आज का जो समय है, वर्तमान समय है, वो बड़ा ही कॉम्पिटिटिव समय है। हम लोग जब अपने क्षेत्र में काम करते थे तो लगता था कि बस गांव में जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा, लोग मिल जाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद वो काम चलता रहेगा। हम जाएं, एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा।
लेकिन वस्तु स्थिति वो नहीं होती है। वस्तु स्थिति यह होती है कि आपके एक बार दो बार से संपर्क साधने से काम बनता नहीं है। मैं सबसे पहले यह बोलूंगा कि जिस मानसिकता से और जिस उद्देश्य से हम लोग गांव में जा रहे हैं ज्ञानशाला शुरू करने, सबसे पहला चीज है कि मुझे उस गांव में अपने मानसिकता और अपनी सोच के बराबर के व्यक्तियों का पहचान करना जो हमारी तरह सोचते हों, जो हमारी तरह सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और ये बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन जब तक इस तरीके के लोग नहीं मिलेंगे हम लोगों को समाज से सहयोग प्राप्त नहीं होगा। जबकि ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, अर्थ का जमाना भी है, लेकिन हम लोगों के पास अभी हम लोग अर्थ विहीन है, लेकिन सामाजिक और सहकार के रूप में सहयोग हम लोगों को देने के लिए ऐसे लोगों का चयन करना होगा। दूसरी चीज है कि हम अपने उद्देश्य को गांव वाले को बीच में जरूर रखें कि हमारा उद्देश्य क्या है आपके पास आने का, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करना चाहते हैं और हम कैसे करना चाहते हैं और आपसे क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ये जब तक उनको जानकारी नहीं होगी तो हम लोग उस क्षेत्र में भटकते ही रहेंगे। जैसे अभी जो बंधु बता रहे थे हमारे ज्ञानदूत कोई सिंह साहब थे कि वो सुबह में बच्चों को माने टहलाने के लिए ले जाते हैं, व्यायाम करवाते हैं। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अगर प्रभात वही व्यायाम के माध्यम से उसमें प्रभात फेरी का कार्य अगर जोड़ दें, प्रभात फेरी मीन्स की बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें एक हम लोग करवाते थे कि इस टाइप से बच्चों को हल्ला बोल पहाड़ा बोल, कि हमारे वॉलंटियर्स जो होते थे बच्चे को गांव से निकालते थे और एक दो का पहाड़ा, तीन का पहाड़ा, चार का पहाड़ा, या तो वो स्कूल से जाते समय वो हल्ला बोल पहाड़ा बोल करते जाते थे या स्कूल आते वक्त करते आते, कि माने एक लीडर है जो कि दो का पहाड़ा बोलता है और दूसरा बाकी बच्चे उसको फिर दो का दो तरफ अगला ये बोलेगा बाकी बच्चा। तो इस तरीके की भी अगर प्रक्रिया होती है तो ये मेरे समाज में और मेरे आसपास के जो बच्चे हमसे दूर हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। और तीसरी चीज जो है, एक तो मैंने बताया कि एक अपने अनुसार अपने विचारधारा के लोगों का चयन, उनके साथ बातचीत, प्रत्येक गांव में मुझे लगता है, प्रत्येक स्तर पे मुझे लगता है कि अपनी सोच अपनी विचारधारा के अनुसार दो तीन चार लोग जरूर रहे हर एक गांव में। तीसरी चीज यह है कि आप सबसे पहले आप चिन्हित सोचे कि आपके बच्चे आपके केंद्र तक कैसे आ रहे हैं। मैंने पहले जब ज्ञानशाला हम शुरू करने वाले हैं तो कुछ बच्चे होते हैं कि आसपास हैं, उनको लिया और लेके बैठ गए और वो हम ज्ञानशाला शुरू कर दी। कुछ प्रक्रियाएं होती है कि नहीं, हम गांव में घूमे, उनको अपने उद्देश्य के बारे में, अपने कार्य के बारे में बताए, उनके माता पिता के साथ बैठक की, गांव के अन्य गणमान्य लोगों के साथ बैठक किया और उसमें जो समस्याएं हैं उस समस्याओं पे चर्चा हुई या समस्याओं के उपरांत हम डॉक्टर हैं बोलेंगे कि भैया हमने नाप दिया, टेम्परेचर नाप लिया हमने, टेम्परेचर यह है, मैंने टेम्परेचर मीन समस्या यह है, आप बताइए समाधान में हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी जवाबदेही आप ग्रामीणों को लेनी होगी, इन बच्चों के इन बालिकाओं के भविष्य को और इनके शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए हम लोग कैसे कृत संकल्प हो सकते हैं कि जिससे कि इनका भविष्य सुधरे। और मुझे लगता है कि ग्रामीणों से
उस समस्या के समाधान को का पॉइंट्स लेना चाहिए और उसमें यह कहना चाहिए कि हम आपको दो तीन चीजें सहयोग करेंगे और उस सहयोग के उपरांत हम लोग यहाँ पे संचालन करेंगे। अपनी जवाबदेही रखने के साथ साथ गांव के नागरिकों के ऊपर भी जवाबदेही देनी आनी चाहिए हम लोगों को। जब तक ग्रामीण सहभागिता नहीं होगी तो हम लोग कुछ भी कर लेंगे उसका आउटकम नजर नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कम्युनिटी का जो मोबिलाइजेशन हम लोग करते हैं उस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में बड़ा बहुत बारीकियां रखनी चाहिए और छोटे छोटे बिंदु को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और आप एकदम क्लियर रहिए कि हमारा इस गांव में या हमारा ज्ञानशाला चलाने में मेरा मूल उद्देश्य क्या है और उस मूल उद्देश्य के साथ साथ मेरा चिन्हित समूह और हमारे आगे का प्लान क्या है। वो जब तक उनके पेरेंट्स को नहीं बताइएगा, उनके गांव के लोगों को नहीं बताइएगा, तब तक उसमें हम लोगों को सफलता जिस गति से मिलनी चाहिए उस गति से हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज कि जब भी बच्चे आते हैं तो हमें लगता है कि बच्चों को सीधे आप किताब मत थमाइए, उनसे चर्चा कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए और उनसे गपशप कीजिए, कहानी सुनाइए, कहानी सुनाने पर उनसे डिस्कशन कीजिए और उसी कहानी के कुछ शब्दों को लेके जो बच्चे को शब्द जानकारी हो उस कहानी का उस पे चर्चा कीजिए। उसी शब्दों के आधार पे आप हिंदी भी पकड़ सकते हैं, उसी में से आपको गणित का भी सवाल निकल सकता है, उसी में से आपको साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री काफी कुछ निकलेगा और वो बच्चे जवाब देते चले जाएंगे। जब ये करने के ऊपर जब बच्चों का लगाव आपके साथ होगा और प्रयास यह जरूर कीजिए कि सप्ताह में बच्चों के किसी भी बच्चों के दो तीन बच्चों के घर या उनके अभिभावक को सूचना देना, उनसे लेना, यह कार्य अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अभिभावक जैसे मान ले घर से बच्चा कह के निकला कि हम जा रहे हैं ज्ञानशाला, बच्चा चला गया नदी किनारे, बच्चा चला गया बगीचा में, बच्चा चला गया खेत में अपना खेल रहा है, तो अभिभावक से संपर्क रखने पे यह आपको फायदा होगा कि उनके बच्चे रेगुलर जा रहे हैं और आपके ज्ञानशाला तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में जरूर रखनी चाहिए हम लोगों को। एक बात और मैं कहूंगा कि जो मैं बातचीत सुन रहा था कि सर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, वास्तव में हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग जो बताते हैं उसको हम लोग सुनते हैं, उसके अनुसार हम लोग और देवाशीष जी और विनोद सर लोग जैसे लोग मिलके एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर बातचीत करते हैं और हर एक बातचीत में यह होती है कि बहुत अच्छी बातें हुई, हमारी क्षमता बढ़ी, हमको बहुत नए नए चीजों का अवसर जानने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मैं अब आप लोगों से यह सुनना चाहता हूँ कि हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको कितना अच्छा लग रहा है, उनको हमने आज क्या ऐसी बातें बताई जिसमें उनका ज्ञान का वर्धन हुआ हो, उनके वर्ग में रुचि बढ़ी हो। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो अच्छी बातें लग रही है वो हमारे बच्चों को अच्छी बातें लगनी चाहिए। और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर बात है कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जहाँ बहुत अच्छाई होती है बहुत अच्छा होता है। थोड़ा हम अपने जब हमारा पूर्व का अनुभव है कि मैं 18 साल तक झारखंड का स्टेट हेड प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन में रहा, मेरे भी वॉलेंटियर 150-200 फुल टाइम मेंबर्स थे, उनकी जब ट्रेनिंग होती थी और उनकी उनसे जो मीटिंग होती थी तो मुझे भी बड़ा सुनने को यही मिलता था कि बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत सुंदर चल रहा है।
बात है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा हमें लगता है कि वर्ग में क्या अच्छा लग रहा है उसको और अपनी अच्छी बातों को भी हम लोग अपने आत्मसात करें, और वो आत्मसात करने के उपरांत हम लोग उसका आकलन करें कि जितनी अच्छी बातें हमको ऑनलाइन ट्रेनिंग में लगी और वो जो मैं बच्चों को दे रही हूँ या दे रहा हूँ वो बच्चे को कितनी अच्छी लग रही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पीएचडी होल्डर, एक रिसर्चर उन 20 बच्चों को हैंडल कर ले, जितनी अच्छी तरीके से आप हैंडल कर पाते हैं उतनी अच्छी से कोई रिसर्चर हैंडल कर। तो हमें मेरी समझ जहां तक है कि बच्चों को जो अच्छी बातें लग रही है, आपकी अच्छी गतिविधि जो लग रही है, आप जो फीडबैक हमें देंगे, आप जो उसका आउटकम निकाल के हमें बताएंगे, उस पर जो हम लोग रेखांकित कर, उस पे जो हम लोग बच्चों के लिए कंटेंट डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे, वो किसी रिसर्चर और किसी पीएचडी होल्डर और किसी बहुत माने हम लोग मैं अपने ही पे उदाहरण लेता हूँ, हमसे भी अच्छा आप अच्छी जानकारी हमको देंगे, जिससे कि हम बच्चों के लिए ये करते माने बच्चों के लिए आगे के लिए हम लोग कंटेंट डिजाइन करें, एक्टिविटी डिजाइन करें वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि आप लोग ही हमारे पिलर हैं, और पिलर जब तक मजबूत माने फीडबैक नहीं देगा तब तक हम लोग आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। हमारे समझ से समुदाय और बच्चों से आप इस कदर दोस्ती कीजिए जो कि आपकी बातों को सुने, आपके क्लास में आत्मा नजर आवे, माने अंदर जो मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है वो उस टाइप का फ्लेवर नजर आए कि बच्चे ना आपसे हिचके ना आप बच्चों से हिचके। जब दोनों में दोस्ती हो जाएगी और एकदम आत्मा टाइप आत्मा जाग जाएगा तो उस क्लास का जो पूरा नैन नक्त होगा वो दूसरे अंदाज में होगा। तो हमें लगता है कि माने ये मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं, मैं एकदम व्यवहारिक और जो मैंने फील्ड में देखा है, मैंने जो फील्ड में किया है वो, और सबसे अहम है बच्चे जो भी काम करते हैं आपके वर्ग में उनको प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर बच्चा एक सवाल का जवाब देता है तो बच्चों के जवाब पर वो सही दे या गलत दे ताली जरूर बजवाइए, बच्चों को शाबाशी दीजिए, अगर वो गलत दिया है तो कहना है कि हाँ रमेश, सुरेश, गीता, सीता, जो भी नाम है बच्चे बच्चियों का, कि हाँ बाबू तुमने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, लेकिन तुम अगर इसमें यह चीज कर बोल देती तो और भी अच्छा होता। कभी उसको निगेटिविटी की ओर मत ले जाइए कि ए, तुम गलत बोल दिए, तुम ऐसे बोल दिए, तुम ऐसे कर रहे हो, बच्चा गलत तरीके से बैठ रहा है, हुड़दंगबाजी कर रहा है, अरे बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा तुम ऐसे नहीं ऐसे करके बैठोगे तो तुमको सभी तुम्हारे मित्र जो है तुमसे दोस्ती करेंगे, तुमको बहुत अच्छे से खिलाएंगे, हम भी तुमको खिलाएंगे। तो बच्चे के आज तक हम लोगों ने बच्चे के पीठ पे हाथ रखने का कार्य नहीं किया है। अगर बच्चों को हम पीठ पे हाथ रख के उनको थपथपाने का कार्य करें और कहें कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुमसे जो भी गलती होगी मैं उसको सुधारूंगी, मुझे लगता है कि इसका नतीजा आने वाले भविष्य में हम लोगों को काफी हद तक प्राप्त होगा। तो मेरे हिसाब से समुदाय से दोस्ती, बच्चों से दोस्ती, और जो हम कर रहे हैं हम मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को अच्छा लग रहा है कि नहीं उसका आकलन, और अपने विचारों का आदान प्रदान समुदाय में भी रखिए और हम लोगों के साथ भी रखिए। बच्चे किताब को देखते ही उनको एक डर लग जाती है। वो पिछले सेशन में बड़ी अच्छी बात एक सर ने कही थी कि परीक्षा जो है वो आतंक शब्द, हम वो उस वक्त बोलने वाले थे कि बात सही है कि बच्चे पढ़ते हैं और चार क्वेश्चन पे परीक्षा देते हैं, उनको डर रहता है कि हम परीक्षा में फेल करेंगे कि पास करेंगे। नहीं, हमारे ज्ञानशाला के सभी बच्चे पास करेंगे, इस
अनुभूति के साथ हम लोग आगे बढ़े और बच्चों के भी दिमाग में यह डालें कि हमारे ज्ञानशाला के सभी बच्चे पढ़े आगे बढ़ेंगे और सभी पास करेंगे, सभी अव्वल है। तो मुझे लगता है कि बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा हमको अपने समाज अपने समुदाय में घूम के समझ के करनी चाहिए और उनके अभिभावकों को हमारे द्वारा किए हुए कार्यों की सूचना दिन ब दिन मिलती रहनी चाहिए कि बच्चे घर में क्या कर रहे हैं। उनको भी अभिभावक को भी मोटिवेट करना चाहिए हम लोगों को कि कम से कम एक घंटा आप बैठिए, बच्चों को बैठाइए। हम जानते हैं कि अधिकांश महिलाएं यह बोलती हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है हमको तो जानकारी है नहीं। वो हम जैसे बड़े लोग जानते हैं कि हम पढ़े हैं कि नहीं है, लिखे हैं कि नहीं। हमारा जो बच्चा है वो नहीं जानता है, हमारा बच्चा यह जानता है कि मेरे माता पिता जो है इस दुनिया के और इस धरती के सबसे होशियार और सबसे ज्ञानी लोग हैं, वो हमको देख रहे हैं, हमको पढ़ना है। आप कम से कम हम लोगों को, हम लोगों की यह भी उत्तरदायित्व है कि उन अभिभावकों को कहना कि आप जब खाना बनाते रहती हैं या जब कोई काम करती हैं तो बच्चे को कहिए कि आप बैठो, जो तुमको टास्क मिला है वो करो और तुम जोर जोर से पढ़ो, हम सुन रहे हैं। बच्चा नहीं जानता है कि मेरी माता पढ़ी लिखी है या अनपढ़, बच्चा जानता है कि मेरी माँ पढ़ी जानकार है। वो जब हैबिट बढ़ेगा बनेगी तो मुझे हम लोगों का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। आप जहां पे भी ज्ञानशाला चला रहे हैं वहां आप दो चार लोग ऐसे लोगों को चुनिए जो कि आपके हम लोगों के उद्देश्य के पूर्ति में सहयोगात्मक भूमिका में आ सकते हैं। वो रिटायर्ड टीचर भी हो सकते हैं, कोई सामाजिक संभ्रांत व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई महिला भी माने अनपढ़ महिला भी हो सकती है जो कि सामाजिक कार्य में रुचि रखती हो। मुझे हर तबके के लोगों से सहयोग लेना और बहुत कुछ तो मैं बोलना मैंने शेड्यूल मेरा था नहीं था, मैंने मेरे दिमाग में जो भी चीजें आई मैं बताया हूँ। बाकी अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जब प्रश्न आएंगे तो मैं जवाब देने में भी सक्षम हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार कात्यायनी सर, बहुत अच्छे से इन्होंने सरलता से तीन चार बातें कहीं ध्यान रखने योग्य जो हैं। पहला कि समुदाय को महसूस कराइए कि आपकी सेवा आवश्यक है। कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए अगर किसी दिन आप फ्री में ही एक दिन बैठ के आपने बोला सभी बच्चों को मेरे पास भेजो, मैं सभी का असर सर्वे कर देती हूँ, तो आप बच्चों का एक असर सर्वे मूल्यांकन करके जब उनके पेरेंट्स को बताएंगे कि देखो ना यहाँ पे तो इसको इस विषय पे बहुत काम करने की जरूरत है, जब इस तरह का कोई आप प्रयोग करेंगे तो लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, तो लोग आपसे पूछेंगे कि अरे यहाँ आवश्यकता है तो आवश्यकता पूरी कैसे होगी, तो आप बता सकते हैं कि भाई हम प्रयास करते हैं, हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम खुद भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ बच्चों को जोड़ सकते हैं, बच्चियों को जोड़ सकते हैं। तो एक ये विषय हुआ। दूसरा, समुदाय में एक नेटवर्क बनाना कि आपके प्रयास जो आप इतना इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना आपके अंदर लगन है, इतनी प्रेरणा है आपके अंदर, इस प्रयास के लिए एक टीम जरूर बनाइए। कम से कम दो चार पांच लोग ऐसे हों जो जाने कि आप क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इससे किसका भला होने वाला है, जो आपके बारे में चर्चा करे जिससे कि समुदाय आपके साथ जुड़े। तीसरा सबसे आवश्यक बिंदु कि हमारे बच्चे खुश हैं कि नहीं, हमारे बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं, और सीखते हुए खुश हैं कि नहीं। तो खुश होने में तो हम उनको टॉफी खिला के भी खुश रख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें सीखते हुए उन्हें खुश रखने की प्रक्रिया जब हम सीख गए तो फिर हमारे पास अपने आप आजीवन हम बच्चों को पढ़ाते रहेंगे और हमारे जीवन का मतलब ही बदल जाएगा। तो इस तरीके से जब आप चलेंगे तो हमारे डॉक्टर कात्यायनी जी ने बहुत अच्छे से कई सारे समझाए हैं, उनका वर्षों का अनुभव है, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, और कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकती हैं, अन्यथा तीन लोग नए लोग जुड़े हैं जिनसे मुझे वन टू वन बात करनी है, प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं ललिता मैडम, हेलेना मैडम और फरजाना मैडम तीनों से बात करूंगा वन टू वन।
देखिए आप लोग प्रश्न कीजिए, नहीं तो इसी से मैं आकलन करूंगा कि हमारे ज्ञानशाला में बच्चे आपसे प्रश्न नहीं करते होंगे। जो भी है सही गलत जो भी प्रश्न है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ललिता मैडम कुछ बोल रही हैं। जी बोला जाए। हाँ आपके पास क्या? हाँ बोला जाए, सुन रहा हूँ मैं। जी सर मैं एग्जाम देने जा रही हूँ ना, तो बस स्टैंड में थोड़ा हल्ला भी हो रहा है। अच्छा, तो कोई सवाल है अच्छा, आपके? अच्छा। जी सर सवाल है, बोलिए। सवाल ये है सर, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ सवाल ये है सर कि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हाँ वो ना इंग्लिश पढ़ पाते हैं ना ही हिंदी सर, तो हमारे लिए बड़ा ही सोचनीय विचारनीय बात है सर, तो हम लोग कैसे सुधारें जो बच्चे पढ़ पाए, हमको बहुत दुख होता है सर। डॉक्टर साहब उनका प्रश्न ये है कि उनके यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं लेकिन वो ना हिंदी ठीक से पढ़ पाते हैं ना इंग्लिश ठीक से पढ़ पाते हैं, तो पढ़ने की समस्या को कैसे सुधारा जाए डॉक्टर साहब? मैंने उनको देखना होगा कि कुल कितने बच्चे हैं, और टोटल बच्चे में ऐसा नहीं होगा कि अगर मान ले 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 भी नहीं पढ़ना सीखने पढ़ना जानते होंगे। उसका एक निकालना पड़ेगा कि 10 में कितने बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं जानते हैं। जानना और चाहना दोनों में अंतर हो जाएगा। एक तो यह मैडम देख लें कि कितने बच्चे नहीं पढ़ना जानते हैं, और उन वो बच्चे करना क्या चाहते हैं, वो बच्चे करना क्या चाहते हैं। अगर वो बच्चे यह हो सकता है कि पढ़ने में कमजोर हैं और इस कारण उनके स्तर से हम लोग हो सकता है कि उसके ऊपर के स्तर के चीज को के चीजों को हम लोग बता रहे हो। दूसरी चीज है कि अगर बच्चों की संख्या कम है, 2-4 है, तो मुझे लगता है कि क्लास खत्म होने के बाद प्रत्येक बच्चे से आप बातचीत करें, एक एक वन बाय वन, उनके अभिभावक से भी मिलें, और नहीं होता है तो उनको कहानी सुनाइए, उनसे कहानी सुनिए, उनको खूब अक्षर कूद करवाइए, जोरो तोरो करवाइए, एबीसीडी का मने हल्ला बोल एबीसीडी बोल इस टाइप का करवाइए। कहीं ना कहीं बच्चों में हेजिटेशन हमारे और बच्चों के बीच में पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। जो मैंने आत्मा की बात कही थी कि हमारे वर्ग ज्ञानशाला में आत्मा नजर आना चाहिए, आत्मा का मत तात्पर्य मेरा यह था कि खुशनुमा माहौल, बच्चे हमसे बेझिझक किसी भी विषय वस्तु किसी भी चीजों पे चर्चा कर सके, बातचीत करें जो ही करते हैं। मुझे लगता है कि पहले यह समझना जरूरी है कि वो बच्चे बोल क्यों नहीं रहे। बिल्कुल समझी मैडम। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बच्चों पर देखिए सतत ध्यान बनाए रखिए, और उनका जो दीवार खड़ी हुई है जो उनकी सीखने की, उसमें देखिए कि कौन कौन सी ईंटें गायब हैं, वो ईंटें अगर भर देंगे तो उन्हें पुनः मजबूती मिल जाएगी, और वो फिर तो वो गैप जरूर खोजिए कि कहाँ गैप रह गया है, वहां से काम करना शुरू कर देना होगा। और बाकी जैसा सर ने बताया कि ग्रुप उनको बनाइए, चिन्हित करके उन पर विशेष काम कीजिए, और हमको लगता है कि आप जैसे सूक्ष्मदर्शी लोग अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। हेलेना जी हमारे साथ हैं, हेलेना लकरा जी। हेलेना मैडम आप सुन पा रही हैं? हेलेना मैडम अच्छा हेलेना जी नहीं सुन पा रही है। फरजाना मैडम
हाँ फरजाना मैडम, आपकी ज्ञानशाला कैसी चल रही है? जी अभी तो अच्छी चल रही है। कितने बच्चों को भी आप पढ़ा रही हैं? कितनी बच्चियों को, कितने बच्चों को? 5-6 बच्चे हैं अभी। अच्छा, 5-6 बच्चे हैं। और आप तो नई जुड़ी हैं, अभी और आपने एक बच्ची 2 क्लास की है। अच्छा, एक 2 के हैं और आवाज कट जा रही है। जशपुर में नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या आती है, मैं जानता हूं। हाँ हेलो। हाँ अभी आ रही है आवाज। वो एक बच्ची जो है वो 2 क्लास की है और 4 बच्चे हैं वो नर्सरी क्लास के हैं। ओके, बहुत बढ़िया मैडम, तब तो बहुत अच्छे समय पे आपको बच्चे मिले हैं, आप उनको काफी अच्छी दिशा दे सकती हैं। और आपने उनका आपने असर असर सर्वे का जो सिस्टम है वो समझ लिया क्या? जी हाँ, वो काजल जी ने मेरे को समझा दिया था, मैंने अभी तक फील नहीं किया है उसे। नहीं, फिल करना ही उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है उसके माध्यम से बच्चों की क्षमता समझना। फिल करना कोई बड़ा उद्देश्य नहीं, वो तो आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी जी जानकार है, जी 2 मिनट में भर देंगी, लेकिन उसका प्रयोग करके आपने बच्चों की क्षमता समझी या नहीं, ये आवश्यक है हमारे लिए। तो वो हम एक बार कर लेंगे। जैसे ललिता मैडम ने भी जो कहा था, तो वो अगर असर टूल का जी मुझे आ गया। हाँ तो असर का प्रयोग करेंगी तो उनको पता चल जाएगा कि उनके बच्चों की कमियां कहाँ हैं, तो उस हिसाब से वो उनका इलाज कर सकती हैं, उनके शिक्षा का इलाज कर सकती हैं। तो चलिए फरजाना जी, बहुत अच्छा है कि आप जुड़ी हैं और काफी मेहनत कर रही हैं, आप क्लासेस में ही जुड़ती हैं। एक फोटो कभी कभी, आज आपने वीडियो भी डाला है, बहुत अच्छा लगा। उसी प्रकार से कम हफ्ता में, सप्ताह में 3 फोटो आप लोग डाल दिया करें। और डेली रिपोर्ट का एक फॉर्म है, उसमें सिर्फ ड्रॉप डाउन है, सिंपल सिंपल काम है कि जी सर, मतलब आज क्या क्लास लिया, वो डालने की प्रक्रिया आप करेंगी तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई क्लास चल रही है, नहीं तो लगता है कि क्लासेस बंद हो गई क्या, हम भी आपके साथ में नहीं है। और इस महीने के अंत जी में सर, 30 या 31 तारीख को हम लोग जशपुर का कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं, प्लान होते ही बताएंगे और हम लोग सामने सामने भी बात करेंगे, बैठेंगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर सभी लोग ज्ञान दूत। और हमारे साथ हेलेना जी से अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई, हेलेना जी सुन रही हैं? हेलेना जी नहीं सुन रहे। ललिता मैडम, कोई और बिंदु, कोई और कठिनाई, कोई और? आप भी ट्रेनिंग में, सुनता हूं कि आप बहुत व्यस्त रहती हैं, बहुत सारे आप पढ़ाती भी हैं स्कूल में और घर पर भी। ललिता मैडम, हाँ, तो बहुत बिजी रहती हैं आप, पता चला ऐसा? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, उसमें भी आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे हमें विशेष सुझाव चाहिए कि और हम कैसे बेहतर बने। अंग्रेजी माध्यम से है तो अंग्रेजी जानना चाहिए, अगर हिंदी माध्यम है तो हिंदी, अपनी जो मतलब लैंग्वेज है उसको तो कम से कम जानना चाहिए सर। वो नहीं जान बिल्कुल पाते हैं तो हमें दुख होता है सर। बिल्कुल मैडम, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं और उसी पीड़ा से पीड़ित होकर हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और आपका बहुत इस, बहुत धन्यवाद। मैडम इस पे आपका हमको सुझाव आप हमें लिख के सीधा व्हाट्सएप कर सकती हैं, आप काजल जी को भेज सकती हैं। कृपया हर सप्ताह जो भी आप ऑब्जर्व करती हो हमको सुझाव आप लोग दिया कीजिए कि ऐसी चुनौती आ रही है, बच्चे को ये नहीं आ रहा है, कैसे समझाया जाए। हम रास्ता निकाल के आपको देंगे, हम जवाब देंगे, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर तुरंत जवाब देंगे। तो कृपया हिचकिएगा मत, और जो जो आपको पढ़ाने में कठिनाई आती है हमको बताइएगा। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लगता है हमने सबसे बात कर ली है, कोई और कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज एक बार। अंकिता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो। हाँ बोलिए। मैं तो ये कहूंगी कि सबको ना खेल के उसमें सिखाया जाए तो वो अच्छे से लर्न कर पाएंगे। और जैसे वो बोल रहे थे कि इंग्लिश का इशू है, तो जनरली रहता है इंग्लिश का,
मुझे लगता है हर किसी को ही रहता होगा, और पर उसको ना आप ड्रॉ करके कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखा के और मतलब रिलेट करके, रियल लाइफ से रिलेट करके दिखाएं तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पे जल्दी ही और एक महीना पूरा समय हम अंग्रेजी पर देंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद सबने हमको खुलकर बताया कि अंग्रेजी पर विशेष काम करने की जरूरत है। तो हम भाषा पर अब चलेंगे, गणित पे हम चल रहे थे, गणित भी बीच बीच में एक क्लास रखेंगे, लेकिन भाषा पर अब विशेष ध्यान देंगे। और उसके अलावा भी कुछ भी समझ में आता है आपको, बेझिझक होके लिखिए, समझिए कि हम भी आपके स्टूडेंट हैं, हम भी आपसे सीखना चाहते हैं और आपके माध्यम से सीखना चाहते हैं। लेकिन हमारे बच्चे कमजोर नहीं होने चाहिए, आप उनके गार्जियन हैं, बच्चों को जितना मजबूत बना सकते हैं बनाइए। और जिसने जीवन में 5, 10, 50, 100 आदमी को अच्छा बना दिया, उससे सफल कोई जीवन नहीं है। तो आशा है इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और बालिका शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चियां एक बार अच्छे से पढ़ गई तो समझिए कि समाज अच्छे से पढ़ गया। तो बच्चियों की शिक्षा पर ऐसे ही ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आप सभी का आज के ट्रेनिंग में और खुलकर फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के प्रशिक्षणों में भी आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग प्रश्न किया करें, हमारे जो ट्रेनर आते हैं वो चाहते हैं कि आप लोग खुलकर प्रश्न करें। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अधिकार पूर्वक प्रश्न कीजिए। और इसी के साथ ही ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं, गणतंत्र दिवस आने वाला है, उसकी पूर्व शुभकामना आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। धन्यवाद।